वजन सही था 32 के 6 में। क्या कह रहा वो, पढ़ेंगे हम देखेंगे। इतिहास बदलवाना जिनको आमीन बोलना यीशु के नाम में। जल्दी इस कारण हर एक भक्त, अरे हर एक भक्त जो इतिहास बदलवाना चाहते हैं, ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जब परमेश्वर मिल सकता तो कहेंगे सुबह मिलेगा, रात को मिलेगा, दोपहर में मिलेगा। अबे नहीं, कह रहे हैं कि जब दानियल खड्डे में होगा। हालेलुया, कब मिलेगा? अपने पड़ोसी को बोलो जब तुम खड्डे में होगा। कितने लोग मेरी बात को मान रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं? मेरा जन्मदिन है, कितने लोग आएंगे जन्मदिन पर? बोला हालेलुया, आ रहे हैं ना? ठीक है, कई लोगों को लगेगा टिकट खरीदनी पड़ेगी, ये खड्डा ही होता है। कई लोगों को जहाज की टिकट खरीदनी पड़ेगी, इतनी दूर जाना पड़ेगा, बस लेके उधर जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ लाला जबर पादरी यहाँ नहीं आएगा। संडे को आऊंगा, एरिक का बर्थडे है, चलो तो मेरे बेटे का बर्थडे है, हम इकट्ठे मनाएंगे यहाँ पर। लेकिन आपको सुनो, लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, कह रहे खड्डा क्या होता है? कह रहे खड्डा, कह रहे कि जब आप दुख में, जब आप बीमारी में, जब आप समस्या में, लेकिन आप तब भी अपने बच्चे को कह रहे हैं बेटे चलो ढोलकी ले आओ, प्रार्थना कर लो, परमेश्वर मिलेगा ऐसे समय में। याद रखना, परमेश्वर मिलेगा ऐसे समय में। अगर आपकी परिस्थितियाँ, अगर आपके चेंज करने के लिए नहीं आई परिस्थितियाँ, आपके हालात चेंज करने के लिए आई है। कह रहे कि अगर आपके हालात चेंज करने के लिए आई है तो आपको अंदर से चेंज करने के लिए आई है। परिस्थितियाँ कैसी भी हो लेकिन वो कुछ ना कुछ चेंज करके जाती है। याद रखना, परिस्थितियाँ कभी खाली नहीं जाती। मैं कह रहा हूँ अगर हालात अगर बद से बदतर है तो उसका मतलब कोई सिचुएशन आपको परमेश्वर आत्मा को सिखा कर जा रहा है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है। अगर आप किसी हालात में गिरे हुए हो, पवित्र आत्मा का आध रात बस भरोसा रखना है, लेकिन आपने सींग नहीं फंसाना कहीं पर। क्या लिखा बाइबल में कि कई जगह लोग सींग फंसा लेते हैं। क्या बोलते हैं? सींग फंसा देते हैं। परमेश्वर ने शमूएल को कहा, कहता जा बेटे, कहता कि जा उठ खड़ा हो जा और जाकर अपना सींग ले। क्या ले? सारे बोलो सींग ले। अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं तुझे सींग मारूंगा। उस समय सींग किसको बोलते थे? एक कुप्पी होती थी और जो भैंस के या कटड़े के बछड़े के, देखा ना जब वो दूध नहीं पीता तो उसके मुंह में ऐसे मुंह पकड़ में डाल दिया करते थे चल करके। और एक सींग ऐसा होता था उसके सिर पर, वो तेल से अभिषेक किया करते थे, उसके पास होती थी वो कुप्पी, उसको सींग बोला करते थे। और वो जानवरों के सींग पर तेल क्यों लगाया जाता था? उसके उनके सींगों पर इसलिए, उनके बॉडी पर तेल लगाया जाता था क्योंकि जानवर मर जाए, कोई भी कीटाणु हो वो मर जाए। अगर जानवर के ऊपर बैठा हो वो कीटाणु मर जाए। मैं कह रहा हूँ कि आज जितने लोग मेरे कहने पर नहीं, आप प्रभु के वचन के अनुसार यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर के अभिषेक का तेल आपके ऊपर आ रहा है। यीशु के नाम में जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा आपके ऊपर अभिषेक का तेल आएगा। आपके पर जो भी समस्या खत्म, जो भी कीटाणु है मरेंगे आज, जो भी कर्जे का कीटाणु है मरेगा, जो भी समस्या कीटाणु है मरेगा। मैं मार देता हूँ उस कीटाणु को यीशु के नाम में। आपके हाथों पर अभिषेक का तेल रिलीज करता हूँ, आपके माथे पर तेल आए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आए यीशु मसीह के नाम में। कहता ये लेना पड़ता है, कहता आपको आना पड़ता है नबियों के पास, इसलिए नबियों को भेजा परमेश्वर ने। कहा कहता कि जा, याजक को नहीं भेज रहा, कहता नबी को भेज रहा है। कहता जा शमूएल, कहता शाऊल मेरी इज्जत नहीं कर रहा, दाऊद के पास जा और जाकर आज रात उसके ऊपर तेल डाल दे। हालेलुया, याद रखना ये परमेश्वर है। कहता जितने लोग इस संडे और वीरवार, कहता मैं फिर कह रहा हूँ वीरवार मीटिंग में आया करेंगे, पास्टर हो चाहे विश्वासी हो, मैं कह रहा हूँ आज से अभिषेक बढ़ेगा आपके ऊपर, आपके ऊपर पवित्र आत्मा जीत का खंभा खड़ा करेगा यीशु के नाम में, रास्ते खोलेगा। पहला शमूएल 17:43-45 में लिखा कि यहाँ पर कह रहा दाऊद के बारे में, जब हम पढ़ते हैं दाऊद छोटी उम्र से परमेश्वर पर डिपेंड रहना सीख गया था। उसने क्या किया? बाइबल बताती है कि उसने गोलियत, एक सांड जैसे गोलियत को पटक पटक के मारा। समझ रहे कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, उसने कुश्ती नहीं लड़ा, लेकिन उसने क्या किया, उसने एक पत्थर से मार दिया। एक बहुत बड़ी समस्या को उसने सिर्फ पत्थर से मार दिया। कैसे मार दिया? क्योंकि वो वचन का ज्ञान रखता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, उसके भाइयों को इस्तेमाल नहीं किया। जब उसके भाइयों को पता लगा तो वो भाग गए, छिप गए, लेकिन उसने जाकर क्या किया, उसको पता था। और वो कहता तू मुझे डंडे से मारने आया, भाले से मारने आया, लेकिन मैं तो प्रार्थना के साथ आया हूं, यहोवा के नाम से आया हूं तुझे मारने के लिए। मैं कह रहा हूं आज आप छोटे बच्चे क्यों ना हो, आपकी परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो, आप गरीब क्यों ना हो, आप तुच्छ क्यों ना हो, बेकार क्यों ना हो, लेकिन अगर आप घर से प्रार्थना करके निकलेंगे, मैं कह रहा हूं कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो आज रात खत्म होगी आपके सिर से। मैं कह रहा हूं कर्जा खत्म, कर पत्नी बीमार है, बच्चा बीमार है, घर बीमार है, पर पवित्र आत्मा कह रहा है तेरी समस्या खत्म, क्योंकि तेरे पीछे कोई डंडा लेकर आ रहा है, तेरा चरवाहा आ रहा है, कोई है प्रार्थना करने वालों के पीछे। कह रहा है कि आपका चरवाहा आपके पीछे खड़ा है, वो डंडा
लेकर खड़ा अपनी भेड़ों को चराने के लिए याद रखना। कहता आपको संभालने के लिए आपको चिंता नहीं करना। कहता है कि चिंता उनको होती है जो प्रार्थना नहीं करते। कहता भरोसा नहीं रखते करे लेकिन थोड़ी देर के लिए लगता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि रात रात है कल पता नहीं होगी कि नहीं, कहता है कि लेकिन सुबह निकलेगी। कह रहा है कि आज आपका भी दुख है तो सुख में और आनंद में बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। लेकिन यहाँ पर दाऊद को मालूम था, दाऊद ने उसको कैसे मार गिराया कि पत्थर से गुलेल से, क्योंकि उसको मालूम था कि वचन के अनुसार वो जानता था कि परमेश्वर को कोई ललकारे तो वो डंडे से नहीं, गोली से नहीं, पत्थर से मारा जाए, पत्थर वाह किया जाए उसको, पत्थर से मारा जाए। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ कि अगर आज आपकी कितनी भी बड़ी समस्या है तो याद रखना किसी डिस्प्रिन से नहीं जाने वाली, किसी इंजेक्शन से नहीं जाने वाली। कह रहा है कि परमेश्वर के एक वचन से जाने वाली है वो पत्थर, पर वो गोलियत गिरने वाला है, गोलियत गिरने वाला है, वो पहाड़ गिरने वाला, चर्च वो समस्याएं गिरने वाली। आमीन बोलने वाले आज अपने पड़ोसी को बोलो जीत का कारण पता लग गया। आज समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि बहुत बार हमें वचन का ज्ञान नहीं होता और बाइबल बोलती है कि वो नाश हो जाते हैं, लेकिन अगर आज आप समझ रहे हैं परमेश्वर चाहता है, कहता है कि नबी के हाथ के साथ अगर हाथ मिलाकर चलते हैं, कह रहे हैं कि आप बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहे इसलिए उन्होंने ये परमेश्वर ने वो खत्म नहीं किया। परमेश्वर किसी और को भेज सकता था याजक बनाकर, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को नबी बनाया और उसके एंड में देखो आप यीशु मसीह को नबी बनाया। इसका मतलब कि आप जब नबी के साथ आप रिश्ता रखते हैं तो आज रात मैं कह रहा हूँ वो यीशु के साथ है जिसका रिश्ता मजबूत हो गया है। आज इसने फैसला कर दिया, मैं कह रहा हूँ रिश्ता आप किसके साथ रिश्ता ढूंढते हैं? उसके साथ जो सरकारी नौकरी करता है उसकी लड़की का रिश्ता ढूंढते हैं? आप किसके साथ ढूंढते हैं जो अमेरिका में रहता है अपनी लड़की का रिश्ता उसके साथ ढूंढते हैं? अरे परमेश्वर कह रहे हैं जो प्रार्थना करने वाला बंदा है उसके साथ रिश्ता ढूंढो। आज परमेश्वर तुम्हारे साथ रिश्ता बनाने वाला है, तुम्हारे साथ रिलेशन बनाने वाला है। कह रहा हूं परमेश्वर आज रात उसको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। लेकिन प्रार्थना रीढ़ की हड्डी है, याद रखना ये पूरा शरीर टिका हुआ है इसके ऊपर। कह रहा विश्वास करना रीढ़ की हड्डी जैसे पूरे शरीर पर टिकी हुई है, मैं कह रहा हूँ पूरा शरीर रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है, ऐसे ही प्रार्थना भी के कारण आपका बैंक बैलेंस, आपका घर, आपके बच्चे प्रार्थना पर टिके हुए हैं। अगर आपने इसको छोड़ दिया तभी आपका बैंक डाउन होता है, तभी आपकी कमर में दर्द होता है, तभी आपके प्रॉब्लम आती है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कुछ मिले ना मिले अपना जीवन बिता। दानियल, मैं कह रहा हूं दानियल को पता था, उसने कहा परमेश्वर कहां मिलेगा? परमेश्वर ने उसको शायद दर्शन में बता दिया होगा कि हम मिलेंगे वहां पर, केएफसी में नहीं, मैकडी में नहीं, हेलो दानियल खड्डे में मिलेंगे। इसलिए दानियल के शख्स पर चेहरे पर थोड़ी सी भी जो नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर वहां मिलने के लिए आया। हालेलुया, इसलिए वो खुश था वहां पर। मैं क्या कह रहा हूं, कई बार परमेश्वर अपने लोगों को बता देता है, याद रखना प्रार्थना करने वालों को बता देता है कि ये समस्या थोड़े दिन के लिए, हमेशा के लिए तेरे पास समस्या नहीं रह सकती। भजन संहिता 34:19 में लिखा कि जो डरे हुए हैं उनके लिए पवित्र आत्मा बात कर रहा है। भजन संहिता 34:19 में क्लियर लिखा, कह रहा धर्मी पर विपत्ति पड़ती तो है, बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो है, लिखा देखो स्क्रीन पर, धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सब से उनको छुड़ा लिया करता है। हालेलुया, आज रात कह रहा हूं कि अगर आज आप कोई भी धर्मी जन यहां पर बैठा है प्रार्थना में हाथ उठाने वाला, मैं कह रहा हूं प्रभु पर भरोसा रखने वाला हाथ उठाओ। मैं कह रहा हूं कैसी विपत्ति को ना हो आशीर्वाद दे रहा हूं उस वचन से, आज रात विपत्ति से आजाद हो जाओगे। आजाद हो चुके हो आप यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग आपने देखा कई बार